छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण अंग्रेजी में था, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से रोक टोक की गई। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं की ओर से मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कठपुतली बताया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत से खास बातचीत की। दूसरा दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ और अभिभाषण के दौरान विपक्ष की ओर से काफी टोका टाका भी की गई। इसको लेकर हमारे साथ सीधा पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत जी हैं। ये जिस तरह से अभिभाषण के दौरान विपक्ष की ओर से टोका टाकी की गई, इसको लेकर क्या? देखिए, विपक्ष अपना काम है, लेकिन सीनियर मोस्ट लोग जब पहला एक सत्र राज्यपाल जी का हो रहा है, वह चुनी हुई सरकार के समय, अभी राज्यपाल ने भाषण नहीं पढ़ा, उसके पहले जिस प्रकार के शब्दों का चयन न्याय उचित है, मैं इतना ही कहूँगा। पूरा सेशन चलेगा, अपनी बात को रखें, दमदारी से रखें, बात करें। लेकिन इस सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता का समर्थन लेकर के यहाँ पहुँची थी, उन्हीं चीज़ों का तो प्रावधान इस अनुपूरक बजट में होता है। आज अगर हमारे पास, अगर सरकार ने राज्यपाल जी की उसमें कहा कि 18 लाख परिवार को अगर मकान देने के लिए, और उसके अंदर ही तो प्रावधान किया, उसी की जो तारीख की उसी को तो हम लोगों ने वो किया। हमने पीएससी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर उठाया, यही तो हमारी प्राथमिकता थी। विपक्ष का कहना कि किसानों को मुद्दे कर डीले कर रहे हैं, जानबूझकर देरी हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कहा पर अभी 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2 साल का बोनस चला जाएगा, किसान कहाँ से इसके बीच में आ गया? जो कांग्रेस पार्टी के समय जो किसान आत्महत्या किए, परेशान हुए, उनको खाद नहीं मिली, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी चिंता करती, इसलिए तो यहाँ आकर के बैठना पड़ा उनको विपक्ष में। मंत्रिमंडल में हो रही देरी को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कठपुतली कौन था ये तो जनता जानती है। अगर संवेदनशील मुख्यमंत्री हो, व्यवहार कुशल मुख्यमंत्री हो, आम जनता की अप्रोच वाला मुख्यमंत्री हो, तो कांग्रेस पार्टी को दर्द होता। अपने ऊपर स्वयं आत्मचिंतन करें, उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप लगाएं। तो ये थे राजेश मूणत जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उनको लेकर राज्यपाल के अभिभाषण में उन सारी बातों को लाए थे, लेकिन विपक्ष केवल हंगामा करना चाहती थी, इसलिए उन तमाम बातों से परे केवल हंगामा करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।